पूरक परीक्षा वाले सभी बच्चे ध्यान देना, 10 जून को आपका रहेगा हिंदी का पेपर। सभी स्टूडेंट्स जो जो बच्चे ऐसे जिनको मेन परीक्षा 2023-24 में सप्लीमेंट्री आ चुकी थी, अब वे सभी बच्चे 10 जून को अपना हिंदी का पेपर देंगे। कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड पूरक परीक्षा 2024। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, कौन से आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कमेंट बॉक्स में बताइए, और हिंदी के अलावा आपको किस विषय में सप्ली आई है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाया जा सके। पूरक परीक्षा वाले सभी बच्चे ध्यान देना, 10 जून को आपका रहेगा हिंदी का पेपर। सभी स्टूडेंट्स जो जो बच्चे ऐसे जिनको मेन परीक्षा 2023-24 में सप्लीमेंट्री आ चुकी थी, अब वे सभी बच्चे 10 जून को अपना हिंदी का पेपर देंगे। कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड पूरक परीक्षा 2024। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, कौन से आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कमेंट बॉक्स में बताइए, और हिंदी के अलावा आपको किस विषय में सप्ली आई है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाया जा सके। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। अपने हाथ में कॉपी और पेन ज़रूर उठा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन और उनके आंसर सही से याद हो सके। सूर सागर के रचनाकार हैं, पहला क्वेश्चन है सूर सागर के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा सूर आगे आया है तो आंसर भी क्या होगा, सूर। सूर सागर के रचनाकार होंगे सूरदास। प्रवंजना का शाब्दिक अर्थ होगा, तो प्रवंजना का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो प्रेम नहीं होगा, धोखा होगा, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा शोक। अगला प्रश्न है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो ये आंसर होगा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। दशाननमय समास है, तो आंसर होगा बहुव्रीहि समास। भोलानाथ का असल नाम था, तो यहाँ पर होगा तारकेश्वर नाथ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाना है, तो यहाँ जोड़ी देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं संस्कृति, तो संस्कृति को आप किससे मिलाएंगे, बदंत आनंद कौशल्या यन। अगला है कन्यादान, कन्यादान को आप किससे मिलाएंगे, ऋतुराज से। अगला है आपका मैं क्यों लिखता हूँ, इसको मिलाएंगे आप आज्ञा से। अगला है आपका अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। अगला है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं चौपाई छंद में होती है। अगला है आपका नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, आपकी लोकोक्ति है। तो इस प्रकार आप क्या मिला लेंगे, जोड़ी मिला लेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब सत्य फत्य बता देते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप, सत्य लगाएंगे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मूरत मधुर मनोहर देह की पंक्ति में यमक अलंकार है, इसका आंसर होगा आपका सत्य। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्म उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, सत्य। न्याय के अनुसार आचरण करने वाला न्यायशीलता है, सत्य।
मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है। सत्य, एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि इंग्लैंड की थी, है ना। पर इस क्वेश्चन को अभी काट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, दुख है ना चांद किला शरद रात आने पर, ठीक है, शरद आएगा इस खालिस्तान में। अगला, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ, इंदौर में हुआ। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम। अगला क्वेश्चन, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म बहानपुरा। 16 छतों वाला घर रचना कमलेश्वर की है, ठीक है, कमलेश्वर। और समास प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के, सोटा छंद में चरण होते हैं 4। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब अपन देखेंगे यहाँ पर एक शब्द में उत्तर, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, आंसर हो जाएगा राम ने। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही, बसंत, या आप क्या लिख सकते हैं फागुन, अगर आप लिखेंगे तो इसका आंसर सही होगा, फागुन भी सही है बसंत भी सही। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, आंसर हो जाएगा 4। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, वीर रस। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम सभ्यता और संस्कृति, संस्कृति और क्या कहते हैं उनको, सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति। जापान की हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, अणु बम। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। अब आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो देखिए, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, इन क्वेश्चनों को अभी समय है पढ़ लीजिए। अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, और एक यहाँ पर देखिए, एक तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद, 6 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए, और अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको 9 से लेकर 23 तक भी पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मैं आप लोगों को वीडियो भेज सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में न्यू लिखिएगा, 9 से 23 तक चाहिए हमें सभी IMP क्वेश्चन, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। चलिए, तो आप एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।